फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नितिन वडेरा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, कल इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बहुत बहुत कंफर्टेबली हरा दिया। हालांकि थोड़ा लग रहा था जब स्टार्टिंग में बहुत बॉल बहुत मूव कर रहा था इंडिया की चेज़ के टाइम, और इंडिया बहुत स्ट्रगल भी कर रही थी। रोहित शर्मा बहुत बार बीट हुए और इवन शिखर धवन जल्दी आउट भी हो गए, लेकिन लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा चेस करना। लेकिन एंड में रोहित शर्मा की क्या बैटिंग करी, रोहित शर्मा ने अपना काम कंपोज दिखा के उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़ के सेंचुरी बना दी, अपनी रन बना बना के सेंचुरी बना दी और इंडिया को जीत की तरफ ले गए। और उसके बाद पारी आती है बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था, जो एक टाइम पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड आराम से जीत जाएगी, और बांग्लादेश ने जो फाइट करी उस मैच में, आखिरी बॉल तक फाइट करी और एंड तक वो मैच को अपने हाथ से जान नहीं दे रहे थे, लेकिन स्कोर फिर भी बहुत कम था उनका। देवर एटलीस्ट 30-40 रन शॉर्ट, 30-40 रन और होते तो बांग्लादेश वो मैच जीत जाती, क्योंकि वो मैच में 244 रन बहुत कम थे, इसलिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा मैच बचाने में। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दिखाई, इससे ये साबित होता है कि बांग्लादेश आने वाले मैच में बहुत बहुत अच्छा खेलने वाली है, क्योंकि उन्होंने उस मैच में एंड तक लड़े वो। बट एनीवेज, अब हम बात करते हैं आज के मैच की, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। तो आज का मैच बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, और दोनों टीमें बहुत बहुत घातक टीमें हैं, स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रॉन्ग थोड़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का सारे हिटर हैं, उनको सब डिफेंस से ज़्यादा वो चौके छक्के बिलीव करते हैं, सिंगल डबल से ज़्यादा वो हिटिंग में बिलीव करते हैं, तो उनकी हिटिंग बहुत ज़्यादा है। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के बॉलिंग ली है, तो अब ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा स्कोर बनाना पड़ेगा, ताकि वेस्ट इंडीज़, उनको पता सामने चेस करने वेस्ट इंडीज़ आएगी, तो वेस्ट इंडीज़ कैन चेस एनी टारगेट जिस हिसाब की उनकी बैटिंग लाइनअप है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। डेविड वार्नर आज के मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग करेंगे। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ और एरन फिंच, ये तीन प्लेयर हैं जो मुझे लगता है आज के मैच में बहुत परफॉर्म करेंगे। और बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, जो मुझे लगता है आज की मैच में बहुत बढ़िया बॉलिंग कराएंगे। तो और मैच में हो सकता है स्पिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, तो नेथन लाइन एक बहुत अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं आज के मैच में। तो मेरे अकॉर्डिंग आज का मैच जीतेगी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी आज का मैच। देखते हैं क्या होता है आज के मैच में, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे कि मैंने अभी देखा कि नेथन लाइन तो आज खेल नहीं रहे, उसकी जगह एडम जैम्पा खेल रहे हैं। हालांकि दोनों बड़े अच्छे स्पिनर हैं, बट नेथन लाइन मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा अच्छे स्पिनर हैं, बट एडम जैम्पा खेल रहे हैं, तो बॉल में पिच में थोड़ी हो सकता है स्पिन होगी सेकेंड हाफ में। तो एडम जैम्पा भी मेरे को लगता है बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पैट कमिंस, देखते हैं अब क्या होता है। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं कल की वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।